जय हिंद दोस्तों, गाजीपुर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम गाजीपुर ज़िले के रौजा ओवरब्रिज पर हैं। आज 13 मई 2021 है। आज मैं आप लोगों को बेसो नदी पे बन रहे रोड ब्रिज का अपडेट दूंगा, जो कि कठवा मोड़ में पड़ता है। तो हम लोग कठवा मोड़ जा रहे हैं, वहां जाकर आप लोगों को बेसो नदी पे बन रहे रोड ब्रिज का अपडेट दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी राइड शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग राइड करते हुए रौजा नामक जगह पे आ गए हैं। ये रौजा का मार्केट है। हमें आगे दो रास्ते दिखाई देंगे, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो मऊ गोरखपुर की ओर चला जाएगा, और राइट वाला जो मार्ग है वो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद बलिया बक्सर की ओर चला जाएगा। तो हमें कठवा मोड़ जाना है, तो हम राइट वाले रास्ते से चलेंगे। आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है, और रौजा पर ठेले पे आप देख रहे होंगे फल के दुकान लगना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने लेफ्ट साइड रौजा बस अड्डा है। यहाँ से आपको कासिमाबाद, रसड़ा, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, भरौली के लिए यहाँ से बस मिलती है। आपको अगर बिहार जाना है तो आपको यहाँ से भरौली के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से ऑटो से आप बक्सर जा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम राइड करते हुए आलमपट्टी नामक जगह पर पहुँच चुके हैं। ये आलमपट्टी का मार्केट है। दोस्तों, हम लोग अभी केतवलिया नामक जगह पर पहुँचे हैं। आपको सामने अंडरपास दिख रहा होगा, जो ऊपर वाला रोड है NH-24 है, जो कि जमानिया की ओर चला जाता है, और नीचे वाले जो रोड से हम अभी राइड कर रहे हैं ये NH-31 है, जो कि ये गाजीपुर, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, बलिया होते हुए ये बिहार राज्य को चली जाती है। आप देख सकते हैं केतवलिया व बिंदवलिया का मार्केट। दोस्तों, हम लोग राइड करते हुए गाजीपुर घाट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये घाट का मार्केट है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, और तो आपको जैसा पता है कि उत्तर प्रदेश व गाजीपुर ज़िले में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कुछ ही दुकानें खुल रही हैं, बाकी सारी दुकानें बंद है। लॉकडाउन में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बेसो नदी पे जो रोड ब्रिज बन रहा है उसका कार्य चालू है या बंद है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम लोग कठवा मोड़ बेसो नदी ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पुराना वाला रास्ता है, जो कठवा मोड़ ब्रिज से होते हुए आप यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, रसड़ा, बलिया, बक्सर की ओर जाते थे। अब मैं डाइवर्जन वाले मार्ग से जा रहा हूं, क्योंकि अभी पुराने वाले रास्ते पर ब्रिज का कार्य हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार ये रोड बनाया गया है। फिलहाल ये तो काम चलाऊ रोड है, जब ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो हम लोग फिर पुराने वाले मार्ग से ही जाया करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, सावधान, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले, अधिकतम क्षमता 20 टन। यानी इस डाइवर्जन वाले रोड पर आप 20 टन की क्षमता से सामान ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड ये बेसो नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है। काफ़ी शानदार ये ब्रिज बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में भी इस ब्रिज पर वर्क चल रहा है, जो कि काफ़ी सुखद अनुभूति होती है ये देखकर। देख लें, कार्य बहुत तेज़ गति से हो रहा है। ये ब्रिज 4 लेन का बनाया जा रहा है। फ्यूचर में NH-31 को 4 लेन बनाया जाएगा, जैसा कि नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में घोषणा किया है। दोस्तों, कठवा मोड़ का जो पुराना वाला ब्रिज था 1959 में बनाया गया था। 2016 में पहली बार कठवा मोड़ ब्रिज में दरार आ गई थी। पुल के देखरेख के अभाव में पुल एकदम से क्षतिग्रस्त हो गया।
फिर शासन प्रशासन के द्वारा फैसला लिया गया कि इस पुल को ध्वस्त करके नया ब्रिज बनाया जाएगा। तो 2020 में पुराने वाले कठवा मोड़ ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया, अब ये नया बेसो नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि 4 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है, काफ़ी शानदार ब्रिज बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।